शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें गुर्जर आरक्षण पर इस वक्त की बड़ी खबर, बयाना के अड्डा में रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों ने कब्जा किया। रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। समाज के कई युवा रेलवे ट्रैक पर इस वक्त बैठे हुए हैं, जबकि मंत्री अशोक चांदना 3 घंटे में मौके पर पहुंचेंगे और बातचीत की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर गुर्जर समाज के लोगों का कब्जा नजर आएगा। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर युवाओं की संख्या है जो कि इस वक्त ट्रैक पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और रेल परिचालन जो है उससे बाधित करने की कोशिश है। तो आपको बताएं, आज से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होने की बात कही जा रही थी और जो तस्वीरें हैं उसे देखकर ये माना जा सकता है कि अब जो है गुर्जर समाज ने अपना मोर्चा खोल दिया है। सरकार से बातचीत को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बात शायद बन जाए और आरक्षण को लेकर आंदोलन की स्थिति ना बने, लेकिन गुर्जर समाज में 2 गुट जो है कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये स्थिति बनी। एक गुट ऐसा भी है जिसने सरकार के तमाम मांगों को मान लेने के बाद आंदोलन की बात से आंदोलन को निरस्त करने की बात कही थी, जबकि कर्नल बैसला गुट जो है वो लगातार आंदोलन की बात कर रहा था। और महत्वपूर्ण तस्वीर जहां आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलन की शुरुआत रेलवे ट्रैक से की गई है, बयाना के अड्डा में इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि अशोक चांदना बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें 3 घंटे का वक्त लगेगा, मौके पर पहुंचेंगे और बातचीत की कोशिश होगी ताकि आंदोलन को टाला जा सके। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग जो है अब रेलवे पटरियों पर आज से नजर आनी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया है ताकि रेल परिचालन को रोका जा सके। तो पहले भी हमने देखा है गुर्जर आंदोलन जब भी हुए हैं सबसे ज्यादा जो निशाना बने हैं वो रेलवे ट्रैक रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दबाव सरकार पर बनाया जा सके, अपनी मांगों की तरफ झुकाया जा सके, और यही वजह है कि इस बार भी शुरुआत रेलवे ट्रैक से। देवेंद्र इस वक्त लाइव है हमारा संवाददाता, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, बड़ी संख्या नजर आ रही है तस्वीरों में जहां पर युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया हुआ है, कितनी ये संख्या है और क्या, क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि अलर्ट पर जीआरपी है, तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं सब कुछ अलर्ट पर है, फिर कैसे ये तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं, ट्रैक पर कब्जा करते हैं, क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे ट्रैक पर है, जो गुर्जर समाज के युवा हैं, गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक पर फिर से पटरी को अपने कब्जे में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ एक शहीद स्थल पर, जो पीलूपुरा का शहीद स्थल है, यहाँ पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने मंत्री अशोक चांदना से बात की और लगातार इस बात की मांग युवाओं की ओर से खासतौर से की जा रही थी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। हालांकि एक धड़े ने कल सरकार से वार्ता की थी लेकिन उसको सदे से नकार दिया गया है, और समाज के जो लोग हैं वो कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में अपनी जता रहे, और कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने अपना नेतृत्व है वो अपने बेटे विजय बैसला को सौंप दिया, और विजय बैसला के नेतृत्व में भारी संख्या में जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं और ट्रैक पर कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी। डाउनलोड ऐप पर 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। बात यह भी है कि अशोक चांदना से वार्ता के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है, उन्होंने कहा है फोन पे सभी लोगों के स्पीकर पे बात कराई गई, उन्होंने कहा है कि 3 घंटे में वो पहुंचेंगे और बयाना में बातचीत होगी। कर्नल करोड़ी सिंह बैसला क्योंकि बुजुर्ग हैं, 84 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वो ट्रैक पर जरूर नहीं गए क्योंकि उनको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन विजय बैसला और आरक्षण संघर्ष समिति के अन्य सदस्य, चाहे बुरा भगत हो, नरोत्तम हो, तमाम वो लोग जो संघर्ष समिति के टीम के साथ जुड़े हुए, तो हरदेव पापटा हो, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पूरी टीम
टीम के साथ, अब युवाओं के साथ रेलवे ट्रैक पर जम चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बात की जा रही थी कि कर्नल करोड़ी सिंह वैसला के नेतृत्व को नकारने की बात लगातार यहाँ पर कुछ एक धड़े के कुछ लोगों के द्वारा की गई थी, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कर्नल करोड़ी सिंह वैसला के नेतृत्व में ही गुर्जर समाज अपनी पूरी आस्था जता रहा है और सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जी देवेंद्र, सवाल ये भी है कि आज जो लोग पटरियों पर जमा हुए हैं, क्या ये एक सांकेतिक तौर पर है या ये माना जाए कि आरक्षण आंदोलन जो है उसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है और अब जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ट्रैक को नहीं खाली किया जाएगा, या फिर एक सांकेतिक तौर पर कि दबाव बनाने के लिए आज ये लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन शायद जो है अगर मंत्री पहुंचते हैं, अशोक चांदना से बातचीत होती है तो आज ही ये लोग हट जाएंगे? देखिए अवनव, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विजय बैसला ने इस बात के संकेत शुरू से ही दे दिए थे कि इस बार आर पार की स्थिति होगी। 17 अक्टूबर को जो अड्डा गांव में पंचायत हुई थी तब भी यह स्पष्ट हो चुका था, तब भी लोग आंदोलन के मूड में थे, लेकिन खेती और कृषि का काम होने के चलते कुछ दिन के लिए आंदोलन को टाला गया था। और अब जब आज का दिन फाइनल था तो सुबह भी बयान उनका आ गया था कि आर पार की स्थिति होगी। और गुर्जर ने जो उन्होंने बात कही है कि वो ट्रैक पर पटरी पर कब्जा जमाएंगे, सड़क पर जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। और ये भी कहा था कि आंदोलन लंबा चलेगा। हाँ। तो ये एक तरीके से गुर्जर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी जब अशोक चांदना आएंगे, उनसे जो वार्ता होगी डेलीगेशन की या कर्नल बैसला की या विजय बैसला की, वो सरकार का पक्ष किस तरह यहाँ लोगों के बीच में रखते हैं। हाँ। इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि गुर्जर समाज के लोगों ने कह दिया कि अब कोई भी बंद कमरों में कोई बात नहीं होगी, जो भी बात होगी पब्लिक के बीच में होगी, कोई डेलीगेशन जयपुर नहीं जाएगा। इसी बात का जो लोग कल या परसों जयपुर गए थे उसका उन लोगों ने विरोध भी किया है। यही बात है कि अब जो बात होगी वो यही होगी। जी सवाल ये भी है देवेंद्र की, जिस रेलवे ट्रैक पर इस वक्त युवाओं ने कब्जा किया हुआ है, गुर्जर समाज के लोगों का कब्जा है, देखिए कोरोना काल होने की वजह से ट्रेनों का परिचालन पहले से ही कम है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उनका परिचालन हो रहा है। तो जिस ट्रैक पर इस वक्त लोग जमा है, कौन कौन से रूट की ट्रेनें जो है वो सबसे ज्यादा बाधित होती दिख रही है? देखिए ट्रेनों का संचालन कोरोना काल के चलते भले ही कम हो, लेकिन दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग है जो अति व्यस्त मार्गों में से माना जाता है। पैसेंजर ट्रेनों के अलावा मालगाड़ी यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे रूट हैं जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक से अन्य जगह पर जाते हैं और देश की आर्थिक राजधानी और अन्य राजधानी को वो जोड़ता है। कर्नल करोड़ी सिंह वैसला आ गए हैं।